तो दोस्तों बांग्लादेश का हाल भी श्रीलंका की तरह हो गया है। पाकिस्तान का तो हाल खराब ही है, पिछले सालों में श्रीलंका का हाल क्या हुआ था आप सभी ने देखा था। उसी की राह पर अब बांग्लादेश भी चल निकला है। जिस तरह से श्रीलंका के अंदर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मनमानी की वजह से श्रीलंका बर्बाद हो गया, श्रीलंका की जनता ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के घर में घुसकर उसको वहां से भगा दिया, लूटपाट की, इसी तरह का कुछ मंजर अब बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रहा है। मिडिल ईस्ट की खबरों पर भी बात करूँगा, लेकिन उससे पहले एशिया की खबरों पर बात कर लेता हूँ। बांग्लादेश के अंदर पिछले एक महीने से खतरनाक विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। सारी जानकारी आप लोगों को एक डिटेल वीडियो में पहले दे चुका हूं। जिनको नहीं पता ये प्रदर्शन क्यों हो रहे थे उनको बता देना चाहता हूं। यह प्रदर्शन बांग्लादेश के छात्र कर रहे हैं, खासकर वो छात्र जो सालों साल जॉब की तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन जॉब का नंबर आता है तो उनकी उस जॉब को छीनकर ऐसे लोगों को सरकार दे देती है जो जॉब के लायक भी नहीं होते। लेकिन सरकार ऐसे लोगों को जॉब क्यों देती है? वो इसलिए देती है क्योंकि बांग्लादेश के अंदर कई सारी कैटेगरी में लोगों को आरक्षण दिया जाता है। इसमें से एक सबसे बड़ी कैटेगरी है स्वतंत्रता सेनानियों की। जिन लोगों ने बांग्लादेश की आज़ादी में एक अहम रोल निभाया था उन स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के बच्चों को 30% आरक्षण दिया जाता है। यानी अगर 100 जॉब निकली है कहीं पर तो 30 जॉब उन परिवार के बच्चों को दी जाती है जिन लोगों ने बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। उनके परिवार वालों को चाहे वो किसी काबिल हो या ना हो लेकिन उनको जॉब दे दी जाती है। ये चीज़ बांग्लादेश के बच्चों को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। बांग्लादेश के बच्चों का कहना है कि हम सालों साल मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, इस काबिल बनते हैं जॉब करने के लिए, लेकिन हमारी जॉब उनको दे दी जाती है जबकि वो इस काबिल भी नहीं है। पिछले एक महीने से इसी बात को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे थे। प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा बढ़ गए कि बांग्लादेश की सरकार ने अपनी पुलिस को, अपनी सेना को आदेश दे दिया कि वो देखते ही गोली मार दे। तकरीबन 300 लोगों को मार दिया गया, इंटरनेट पूरी तरह से ठप कर दिया गया। इतना बवाल बांग्लादेश के अंदर हो रहा था। आज बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उनके घर पर बांग्लादेश के छात्रों ने धावा बोल दिया। हजारों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचे और शेख हसीना के घर पर धावा बोल दिया। जिस तरह से श्रीलंका के प्रधानमंत्री के घर में घुसे थे, सामान उठा उठाकर वहां के लोग ले जा रहे थे, इसी तरह से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के घर भी घुसकर लोगों ने सामान उठाया, जिसके बाद खबर आ रही है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने घर को छोड़कर भाग गई। सेना के हेलीकॉप्टर से उनको पहली रिपोर्ट ऐसी आई है कि भारत के अंदर लाया गया है, कोलकाता के अंदर वो आई है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक और ऐसी भी खबरें आ रही है कि सेना ने भी अब ऐलान कर दिया है कि अब हम सत्ता संभालेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना रिजाइन दे चुकी है। रिजाइन देने के बाद वो खबरें आ रही है कि सेना के हेलीकॉप्टर में बैठकर कोलकाता आ चुकी है। फिलहाल बांग्लादेश के हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिस तरह से श्रीलंका के हालात हुए थे उसी तरह से बांग्लादेश की भी हालत हो चुके हैं। पाकिस्तान भी कुछ उसी राह पर बढ़ रहा है। पाकिस्तान की हालत भी बस से बदतर है। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि आए दिन वहाँ पर दंगे होते रहते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसा इलाका है पाकिस्तान का जहाँ पर इस वक्त शिया और सुन्नियों के बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाई छिड़ी हुई है। देखिए, इस शिया और सुन्नियों की लड़ाई को लोग थोड़ा दूसरे एंगल से देख रहे हैं, लेकिन ये जो लड़ाई है वो 130 एकड़ ज़मीन की है। पाकिस्तान के खैबर पख्तून जो पारा चिनार एरिया है वहाँ पर शिया और सुन्नियों के बीच इतनी लड़ाई हुई कि तकरीबन 50 से ज़्यादा शियाओं की वहाँ पर मौत हो गई। 130 एकड़ ज़मीन को लेकर दो परिवार आपस में भिड़ गए। दो काबिले हैं वहाँ, एक शिया और एक सुन्नी, दोनों 130 एकड़ ज़मीन को लेकर लड़ गए, जिसके बाद विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। शिया समुदाय को सुन्नी समुदाय के लोगों ने बहुत ज़्यादा मानना शुरू कर दिया। सुन्नी समुदाय जो है वहाँ पर उसको काबुल, जो अफगानिस्तान का काबुल है, उसके एक कबीले का समर्थन मिल रहा है, इसीलिए वो भारी पड़ रहा है। तो यह जो लड़ाई है वो एक ऐसे फिरके बरस्ती की नहीं है बल्कि 130 एकड़ ज़मीन की लड़ाई है। दो परिवार आपस में भिड़े और इसी के चलते हुए है ये मामला।
शिया और सुनियों में वहाँ पर बढ़ गया। पाकिस्तान के अंदर ये कोई नई बात नहीं है, शिया सुनियों की लड़ाई पाकिस्तान के अंदर काफ़ी लंबे टाइम से चलती है। ये पाकिस्तान में शियाओं की मस्जिदों में बहुत ज़्यादा हमले किए जाते हैं, बहुत सारे लोग मारे गए हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ये कोई नई लड़ाई नहीं है। पारा चिनार में भी तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग पिछले एक हफ्ते में मारे गए, लेकिन यह विवाद जो है 130 एकड़ ज़मीन का है वहाँ पर दो परिवारों का, और ये लड़ाई एक बहुत ज़्यादा गंभीर रूप ले चुकी है। मिडिल ईस्ट की तरफ वापस आते हैं, सऊदी अरब ने साफ ऐलान कर दिया है कि अगर ईरान इजराइल के ऊपर हमारे क्षेत्र से कोई हमला करता है तो हम हर उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करेंगे जो हमारे एरिया से गुजरेगी, हर उस रॉकेट को भी इंटरसेप्ट करेंगे जो हमारे एरिया से गुजरेगा, इजराइल की तरफ जाएगा। सऊदी अरब के अधिकारियों ने इस बात को साफ कर दिया है कि मिस्र के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम साफ कहते हैं कि हम अमेरिका इजराइल के गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। ईरान के हमलों के खिलाफ सऊदी अरब ने कहा कि हम हर मिसाइलों को रोकेंगे। मिस्र के राष्ट्रपति ऊपर दबाव डाल रहा है अमेरिका और इजराइल की, आपको अपने एरिया से आने वाले मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना होगा, लेकिन मिस्र के राष्ट्रपति ने कह दिया कि हम इस बीच में नहीं आएंगे, हम ईरान के हमलों को नहीं रोकेंगे, हम इजराइल के और अमेरिका के गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। फिलहाल ईरान के अधिकारियों ने अपनी उड़ानों को रोक दिया और रूट चेंज करने के लिए कहा, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में कुछ बड़ा हो जाए। एंटनी विलियन तो कह चुका है कि पिछले 24 घंटों में ईरान कुछ बड़ा करने वाला है, जितने भी G7 देश है उन सबको इकट्ठा किया है अमेरिका ने, अमेरिका बहुत कुछ कर रहा है। ईरान के IRGC के कमांडरों की तरफ से भी लगातार धमकियां आ रही है कि सही वक्त और सही जगह देखकर हम हमला करेंगे, और हमला ऐसा करेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। इस बार जो रिएक्शन होगा वो सिर्फ डराने धमकाने के लिए नहीं होगा, और ना ही पहले से कोई किसी तरह की प्लानिंग बताई जाएगी, जो भी होगा तगड़ा होगा और बहुत बड़ा होगा। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है, क्या ईरान इस तरह की धमकियां जो दे रहा है इन धमकियों से इजराइल डरेगा? वैसे एक बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से बताऊंगा। ईरान के हमले से पहले इजराइल हमला कर सकता है, ऐसी खबरें आ रही है। इजराइल ने कुछ बड़ी तैयारियां करके रखी है। इजराइल हमला अगर कर सकता है तो ये आपको पूरी रिसर्च करके अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों आज एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिस तरह से पहले खान यूनिस में गाजा में सामूहिक कब्रें निकली थी जिसमें बहुत सारी लाशें एक गड्ढे के अंदर मिली थी, आज भी एक सामूहिक कब्र मिली है खान यूनिस के अंदर, और उस कब्र में 80 लाशें निकली है जिन्हें इजरायली कब्जे वाली सेना महीनों तक अपने पास रखने के बाद वापस लौट गई थी। उसी खान यूनिस के अंदर सामूहिक कब्र मिली है और उस कब्र में 80 लाशें निकली है, तो ऐसे ना जाने कितनी सामूहिक कब्रें हैं गाजा के अंदर जहां पर लोगों को मार मार कर दबा दिया गया है।